अब उसकी माँ ही सच बताएगी कि इसको हुआ क्या था। क्या था एक बुआ? एक दौरा था छोटे लाला। अच्छा, मन में सारे पासे घुमाया फिराया, डॉक्टर को लिया। मतलब दौरे तो मुराद बेहोश थी कि क्या? बेहोश थी कि होश कहना अखी ओ चुपियां मुंह में तो जादू आएगी। और ये एक सिस्टर, हाँ रेट सही लग रहे हैं ना। अच्छा, और इस सिस्टर ने भी आकर सिफारिश करनी है हमारी। इसके बाल देखे छोटे छोटे हैं, देख भी रही है गुस्से से। इधर देखे सूट माशाल्लाह इसने बड़ा अच्छा पहना हुआ है ना। उसे रेड का बड़ा शौक था कि हाँ मैंने रेड कपड़े लेने हैं। तो ये देखे, ये रेड में हमने चॉइस की। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर से फ्रूट हमने ले लिए हैं, क्योंकि ये भी नहीं खिला सकते, ये भी नहीं खिला सकते, ये भी नहीं खिला सकते। टीका कहाँ लगाया था? इधर दिखाओ, दिखाओ किधर लगाया था। वही इधर लगाया था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे हम सब होंगे, हम सब के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हम सब के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है, फर्स्ट व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और हमने बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो की तरफ चलना है। कि उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, उसके बाद जाते हैं मज़ेदार वीडियो की जानिब। लेट्स गो। ये देखें जी, सारी रात बुखार में गुजारने के बाद कॉल आ रही है। यारे व्यूअर, बात हो रही थी, बीच में एक कॉल आ गई थी, तो उसकी मैंने कॉल सुनना स्टार्ट कर दी। हाँ जी, ये देखें इसने तैयारी की हुई है, इसे पता नहीं है कि कहाँ जा रही है, लेकिन हमें पता है इसकी लेबॉरेटरी करानी है। लेबॉरेटरी के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसी के साथ हम उसी के मुताबिक दवाई वगैरह लेंगे। तो अम्मी जान इधर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का, ठीक हो? तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। माशाल्लाह जी, अम्मी जान की तबीयत ठीक है। तो अम्मी जान अस्सा वेंद पे चौक ते, हां जी, उठो कह रहे सा दवाई गिननी है। हाँ। अच्छा, हूँ तो बात छोटे मोटे बे काम है नो करने। अच्छा, हाँ भला घर का ख्याल रखना। हाँ, घर का ख्याल है, ताला लगे बन, मारे बारों धूप ते बैठे हो। अच्छा, ते हाँ। गनमैन बन ना बही, बाकी मैं अंदर थी बही, कोई मसला गया नहीं। अल्लाह नहीं, मैं खुद सड़क पे नहीं बैठे, अंदर भी बैठे हूँ। अच्छा जी, तो अम्मी जान के हवाले घर कर रहे हैं, हमारे पास थोड़ा सा काम है, जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी वापस आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे भी और काम है, काज हैं थोड़े थोड़े करने वाले। तो मौज़म आएगा, फिर खाना वगैरह रखा है तो उसको दे दीजिएगा, हमें लेट हो गई तो फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उनको बता दीजिएगा कि हम चौक। हाँ, बच्चे तो आने वाले हैं 12 बजे, तब बच्चे आ जाएंगे। हम भी रवाना हो रहे हैं प्यारे व्यूअर, आपने दुआ ज़रूर करनी है। तो अभी चलते हैं सीधा सीधा अपनी मंजिल की जानिब। और एक और चीज़ आपको बता दूं, वो ये है कि ना हम रिक्शा पे जा रहे हैं, ना हम बाइक पे जा रहे हैं, हम सीधा सीधा पैदल जा रहे हैं, 2 नंबर बस पे जा रहे हैं। ठीक है अम्मी? हाँ, 2 नंबर पास है, टांको 2 नंबर पास। हाँ, ठीक है फिर, चलते रहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। फैली फैली भी हम रवाना हो चुके हैं और हमारा सफ़र रवान दवा है, और कोई भी ख़ास सेटिंग मेटिंग नहीं है, क्योंकि ये दवाई लेने वाला काम सबसे पहले होता है, उसके बाद बाकी की बातें बाद में होती हैं। फिलहाल हम अपनी गली में हैं, और फिर इधर से हमने जाना है सीधा रेलवे स्टेशन पे। यार व्यूअर, ये देखें जी, आ गया है मेरे पास। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? स्टेशन पे हम पहुँच चुके हैं, ये स्टेशन है जी, और गाड़ी भी आ रही है। अगर हमारे चलते हुए आ गई तो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि गाड़ी आ रही है। अपने चौक पे आ गए हैं, ये देखें, ये है हमारी बाजार, और अभी इधर हमारा कोई काम नहीं है, हमारा सीधा मेडिकल स्टोर लेबॉरेटरी में है। इधर देखो, हाँ जी, हो गया ब्लड ले गए। कहाँ टीका लगाया था? टीका कहाँ लगाया था? इधर दिखाओ, दिखाओ किधर लगाया था? वही इधर लगाया था। आप रो रहे थे, कैसे कैसे रो रहे थे? हैं क्या केला? इधर देखो, कितने केले लोगे? इधर मेरी तरफ देखो, कितने केले लोगे? 2 बस,
दो केले या दो दर्जन? दो दर्जन। अच्छा चलें जी लेते हैं, फिर अभी चलेंगे फिर लेंगे, ठीक है। ओके बाय बोल दो, इधर 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 देखो, बाय बोलो। कौन आ गया है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टेस्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें। और अभी आए हैं डॉक्टर साहब के पास। नहीं तो इसकी एच भी नहीं चेक करवाई बच्चे की। कराई है। कितनी है? ये देख लो। भी कम है। 9.4 पहले जब कराई थी ना 8.4 थी, अब 9.4 है। लेकिन बीच में कोर्स किया था ना, अब दोबारा करेंगे ना कोर्स, कोशिश करेंगे कि हो जाए। लेकिन उसका ना वो ये छाती वाला मसला वो। चलें जी, ये बाकी सही है, ना ही मलेरिया है ना ही टाइफाइड है, बस ब्लड की थोड़ी कमी है, इंशाल्लाह वो भी सेट हो जाएगा। और सीना बंद होने की वजह से, नज़ला ज़ुकाम होने की वजह से ना उसको बुखार आता है, ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं। अब डॉक्टर साहब मशवरा देंगे कि क्या किया जाए। हाँ जी चेक चुकिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर दवाई लेंगे इंशाल्लाह। दवाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले ली है, ये देखें अभी इसका बिल बन रहा है। मोहब्बत के साथ बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ देखते हैं जी कितने का टीका लगता है मुझे। 990 रुपये का लग गया, मतलब 1000 का टीका लग गया बगैर फीस के यार, 600 फीस बच गई यार। चलो सही हो गया माशाल्लाह। चलो जी दवाई बिल्कुल बेहतरीन ली है ताकि एक ही बार में बच्चा ठीक हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह जी। इधर से फ्रूट हमने ले लिए हैं, क्योंकि ये भी नहीं खिला सकते, ये भी नहीं खिला सकते, ये भी नहीं खिला सकते, तकरीबन आइटम नहीं खिला सकते, तो सेब ले लिए हैं। वो चौक पे आया हुआ है ना, क्योंकि उसका सीना बंद होने की वजह से, फिर ये भी मसला वो भी मसला, ठंडी चीज़ें हैं इसी वजह से। कपड़ा शॉप पे पहुंच गए हैं, ये देखें ये कपड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमने कुछ कपड़े लेने वाले हैं, और अब्बास भाई आ रहे हैं फिर मशवरा करेंगे। अब्बास भाई माशाल्लाह आ चुके हैं, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मुश्किल हल हो चुकी है, क्योंकि ये आ गए हैं, अब ये खुद डिसाइड करेंगे, इनकी छोटी सिस्टर है तो अच्छा रहेगा, है ना। हाँ वो भी साथ है, तो चेक चुक करते हैं जी। कपड़े तो वैसे हैं बहुत सारे माशाल्लाह। उसे रेड का बड़ा शौक था कि हाँ मैंने रेड कपड़े लेने हैं, तो ये देखें ये रेड में हमने चॉइस किए हैं, अभी इसका देखते हैं क्या बनता है। यार ये नहीं खोलो, बस जो हम बताएंगे वही खोलो बस। ये देखें जी ये डिज़ाइन है इसका नीचे तक, माशाल्लाह लग तो बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। दो तीन और कलर भी हमने देखे हैं, ये देखें सारे देख रहे हैं अभी। ये जी ओपन हो चुका है, ये है जी ब्लू कलर में। इसकी फ्रंट है यही है, इतनी है ये सही है। चलें जी ये भी सही हो गया, ओके हो गया। ये देखें जी माशाल्लाह ये वाला सिलेक्ट हमने कर लिया, इसकी कढ़ाई भी बहुत प्यारी है और इसके साथ दुपट्टा भी बड़ा अच्छा है। ठीक है भाई नीचे रख दें। देखें जी ये इसका ये दुपट्टा है और ये इसकी सलवार है, सही हो गया माशाल्लाह। ओके जी ये डन कर दें, और जो नीचे वाला हमने पहले का है वो भी डन कर दें। इधर देखें एक और शॉप पे हम आए हैं माशाल्लाह, इधर भी ओ एक सिस्टर भी खड़ी है वो सामने, देखें उससे भी दुआ सलाम कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें ये एक सूट ये सिलेक्ट हमने कर लिया है, और ये पिक्चर भी लगी हुई है। इसके अलावा एक और सूट ये वाला रेड में, क्योंकि उसे रेड बहुत पसंद है, रेड में भी ले लिया है, और ये दूसरा ब्लू में भी ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल पे भी हो गया है और हमारे पैक भी हो गए हैं दोनों। इसका यार दुपट्टा सलवार हर चीज़ ओके है। चलो अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर मसला मसाला हुआ तो फिर मैं आपको वीडियो सबूत दे सकता हूँ।
ठीक है, ओके जी, थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज। व्यूअर अब ले रहे हैं जर्सी, ये देखें, एक ये है और इतना नरम मुलायम है ये भी माशाल्लाह। और ये एक सिस्टर, हाँ रेट सही लग रहे हैं ना। अच्छा, और एक ये है जी, ये भी बड़ी नॉर्मल है आजकल के डिज़ाइन के हिसाब से। यार गुलाम बास भाई, इसमें कलर बहुत है, कलर देखो, एक कलर इसमें ही है। अच्छा ये देखें जी, ये है, उसमें तीन चार कलर मिल जाएंगे आप वो वाले। अच्छा ये इसमें ये जो पड़ी है सारे इसी एक ही है? नहीं नहीं, ये अलग डिजाइन है, ये अलग है, ये थोड़ी जो वडेरी आंटी टाइप होती है ना, हाँ अम्मा टाइप, ये उसके लिए। अच्छा साइज बड़ा है वो तो, और ये होती है दूसरा दरमियाना साइज जैसे ये। गुलाम बास भाई आप कलर बताएं यार मुझे, ये हटाएं मुझे ना, ये कलर दोनों के हैं, कलेजी इन चीजों का ना कलर उतर जाता है, ये लाइट कलर ही सही रहते हैं। ये वाला ये कलर ठीक है, ये सिल्वर कलर, दोनों कलर ठीक है, दोनों में से जो भी। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला लें, ये वाला कलर ठीक है, ये कुछ लाइट सा नजर आता है, हाँ ये उसके मुकाबले में थोड़ा कम है, ये लाइट सा है, ये बंदा नज़र आएगा पहना हुआ, सही है। अच्छा जी, बस ये जर्सी लेनी थी, लेकिन इसमें मोहब्बत आप करेंगे भाई? सर बेफिक्र हो जाए, ये देखें मैंने क्या रेट मांगा है, ये पिछले रेट लगे हैं 1500-1600 रुपये, मैंने 1200 टोटल मांगा है डिस्काउंट करके, सही इस वजह। चलें जी मज़ीद देखते हैं, डिसाइड करते हैं, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। और इस सिस्टर ने भी आखिर सिफारिश करनी है हमारी, इसके बाल देखें छोटे छोटे हैं, देख भी रही है गुस्से से, इधर देखें सूट माशाल्लाह इसने बड़ा अच्छा पहना हुआ है ना, शूज नहीं है, शूज हैं वाइट हैं। चलो जी, वो गिरी थी बाइक से, ये देखें चलो जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर हमने सारा सामान ले लिया है जो हमें ज़रूरत था, सारे का मतलब ये है कि ये एक जर्सी और इसके अलावा एक सदीक, ये देखें ये कड़ा है ना, ये बड़ा गुस्सा हो गया है, मुझे बूम बूम चाहिए, ये देखें फिर इसको बूम बूम ला कर दिया यहाँ से, क्योंकि खिलौने यहाँ पर पड़े हैं तो दुकानदार भी माशाल्लाह बड़े ज़हीन होते हैं, बच्चे आएँगे ना तो वो इधर सामने खिलौने वो लेंगे, बड़े ज़हीन है भाई, हम बस ऐसे ही रह गए इस दुनिया से, तो खिलौना भी ला कर दे दिया है इसको, बाकी चलें गुलाम बास भाई। अच्छा आप क्या करने आए थे ये तो मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे, अभी आता है। हाँ नहीं नहीं आप आ रहे थे, आवाज़ भाई ने बोला हम घर से निकल पड़े हैं, कहीं पर आ रहे हैं तो असल में ना आए हैं अपने लिए थर्मास परचेज करने के लिए। अच्छा थर्मास लेना है हमने, अब आपकी शॉपिंग हो चुकी है मुकम्मल, हाँ जी आप लोग जा रहे हैं, हम घर की तरफ चलते हैं क्योंकि हमने फिर वीडियोस वगैरह भी बनानी है आपको पता है, हाँ। तो तब तक आप भी आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे। चलो ठीक हो गया, फैमिली व्यूअर सामान लेके और अभी ये मेरे साथ है, हम जा रहे हैं अब्बास भाई वालों के घर में, और सिस्टर और इसकी अम्मी और गुलाम अब्बास भाई उनको थोड़ा सा काम है और वो करने गए हैं, अभी हम जा रहे हैं। ठीक है, आपने क्या ली है, क्या ली है और कैसे चलती है, तेज चलती है, वाह जी वाह माशाल्लाह, इसने गाड़ी ली है जो कि बहुत तेज़ चलती है, और हम घर पहुंचेंगे वो भी आ जाएंगे। ठीक है ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच गए हैं नाना जान के पास, अस्सलाम वालेकुम नाना जान, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत से ठीक है, बाहर शोर आ रहा है मुझे लगता है सब्जी वाला आ गया है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है, ठीक है, तबीयत से ठीक है, गली ना बिल्कुल छोटी सी है और इसमें बाल खरीदने वाले, सब्जियां बेचने वाले, उनकी रोजी रोटी का मसला है, वो आते रहते हैं, शोर भी होता रहता है। और बाकी सब कहाँ गए, बाकी सब सिस्टर और भाई चले गए हैं सब्जी लेने। अच्छा तो बाकी अम्मी ऊपर बैठी है और अबू नीचे हैं, जैसे कि आपने मिल लिया। अच्छा और बाकी चलो आप सुनाए,
अल्लाह का शुक्र दुआओं और इसका सुनाए सदीक का सदीक। इसकी दवाई अभी ली है के टेस्ट कराए हैं, लेबोरेटरी कराई है। अच्छा। इसको खून की भी थोड़ी कमी है और इसके अलावा इसको जो बुखार आता है वो इसका सीना बंद है। ओए होए कहाँ जा रहे हो? इसको इसकी गाड़ी निकाल के दो, गाड़ी इधर होगी, ये दूसरे शापर में, एक ही शापर में होगी। हाँ ये वाली, गाड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। देखो ये देखें जी, ये गाड़ी ली है, इसको चलाओ, नीचे रखो, चलाओ नीचे रखो, इधर आओ, मैं बताऊँ आपको कैसे चलानी है। बैठो, बैठ जाओ इधर, ऐसे चलानी है, ऐसे। वो गई यार, वो देख, वो ले आओ, जाओ ले आओ, ले आओ। ये गुस्सा कर रहा है कि यहाँ पर ओपन क्यों की, मैं अपने घर में जाता वहाँ पर खेलता, आपने दूसरों के घरों में गाड़ी ओपन कर दी। अभी इसकी शक्ल चेक करें, ये देखें गुस्से में है। अच्छा गुस्सा नहीं करो, वापस शापर में रखें हैं? हाँ चलो जी, ये रख दो यार, रख दो, रख दो, ठीक है, घर जाकर खेलोगे, ठीक है हैं? चलें जी, ये तो बस गुस्सा करता रहेगा, इसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। वो वाली बम चलाओ, वो पड़ी है, ये देखो दो दो गाड़ियां हैं, ये देखो ये बड़ी वाली, ये वाली है, देखो आ जाओ बैठो, आ जाओ। हाँ ये ठीक है, इधर देखो, ए ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ था हो गई है, था ये वाली है, ये देखो इस पे बैठो, और दूसरी ये है। हाँ कौन सी चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली या वो वाली? चले जी कोई नहीं लेता फिलहाल, ये अमरूद ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं जी अमरूद, इंशाल्लाह लेंगे लेंगे। प्यारे व्यूअर अभी चलते हैं ऊपर, बुआ भी ऊपर है और अमीना भी ऊपर है, तो उनसे बातचीत करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, दुआ कीजिए कि अमीना खुश बैठी हो। ऊपर पहुंच गए हैं जी, हौली 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 करके ना ऊपर पहुँच चुके हैं, और इधर पहुंच गए जी। अस्सलाम वालेकुम। ओहो नानी क्या खा रही है, ठीक है माशाल्लाह, दुपट्टा सही कर लो, सही कर लो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं इधर गया था चौक पे, चीजें वगैरह ली हैं, खाने के लिए कुछ लिया है, सिद्दीक की दवाई ली है। हाँ कहना ही था ही बदी है। अच्छा तेरे को आके हम अपना सामान सामान इकट्ठा करी, मैं कुछ खा नहीं वाला, मैं देखो सरप्राइज ले सा। कितना है इधर सामान, कितना है इधर सामान? तो वो जरा आया कि तेरे को कोई संदूक थे तो वो तो ये काटता थी जरा बाहर कुछ रखी खड़ी सामान, मैं कुछ खाओ ना, मैं तेरे को नमिया नमिया चीजा देवा है। मेरी गाल सुन, तू सामान चावा, मेरी संदूक है तो सिर्फ गोत ते ये लाती है, कई चार तक गोत लाती है मेरी संदूक का। अच्छा जरा बाहर सामान चीव दिया, मैं नीला शापर पीला शापर वो कित है, जल्दी चावा देखूं वाला तेको मैं बड़े इनाम देवा। अभी इसका सामान वगैरह देखते हैं जी, इसने क्या छुपाया हुआ है, और किसी को भी नहीं देखने देती। आज मैंने इसे बोला हुआ है कि मैं आपका सामान देखूंगा, उसके बाद आपको सरप्राइज देऊंगा। आज साग बढ़ गई पे हो माशाल्लाह, साग जी बॉयल हो रहा है इधर भी, और ये देखें ये चल भी रहा है सिलेंडर वगैरह, और ये वाला जो चूल्हा है ना ये मुझे पसंद है। हाँ ये देखें, ये इसके साथ ऑयल भी रखा हुआ है, तेल काला, और इस बाल्टी में भी है, और कतरा कतरा गिर भी रहा है। मेरी कोशिश है कि मैं ये ले आऊँ, गुलाम बास भाई वालों से पूछूँगा इसकी पोजिशन क्या है, उसी हिसाब से फिर लेंगे। नानी दोनों रोटी खा रही है, मुझे सलाह नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, दूसरा क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है माशाल्लाह,
ਉਦਾਂ ਬਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾ ਪਰਚਾ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਬਤਾ ਭਾਬੀ ਚਾਗ ਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਭਾਬੀ ਜਣੋ ਚਾਗ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾ ਪਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾ ਪਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਮਾ ਦੀ ਸੰਦੂਕ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜੈਸੇ ਪੁੱਛੋ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਕੀ ਸੰਦੂਕ ਮੇ ਪੜਾ ਹੈ ਤੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਇਸਮੇ ਸੇ ਹੈ ਕਿਆ ਮੁਝੇ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਗੱਤੇ ਹੈ अच्छा ठीक है वो आपके कपड़े कहाँ हैं जो आपको आपने लिए हैं संदूक है सारे वो भी हैं अच्छा दो सूट हैं चलो ठीक है अम्मी के पास रखा करो ना सामान हाँ अभी मैं ले आया हूँ कुछ चीज़ें गुड़िया के लिए हाँ आपके लिए तो नहीं लेके आया हूँ अच्छा गुड़िया के लिए ले आया हूँ अगर गुड़िया आपको दे दे अच्छा मेरी गाल सुन मैं ना मेरी गाल सुन मैं देसा गुड़िया को अगर गुड़िया ते को दे दे वे तो भला उन दिन कहना लड़ से ना कहना वो अगर ते को दे दे वे कपड़े कपड़े ते जर्सियां ते दे दे वे तो भला उन दिन कहना लड़ से ना हाँ ते वो मैं चाहिए तो हूँ दे वास्ते वो अगर अगर तू वाला ते को दे दे वे तो ठीक है चलो ठीक है जी देखते हैं ये तो खैर जूस के डब्बे वगैरह हैं और इसका सामान उस दिन जो अल्ताफ साहब ने लिया था ना जिस पे चिल्ला रही थी ये इसमें ये देखें डब्बे जूस वाले हो गए ये धागे वगैरह हो गए और बस ऐसे छोटे छोटे बच्चों के जुराबे वगैरह हो गई ऐसे ही सामान इसका छोटा छोटा पड़ा है जो हमने अभी देख लिया है ठीक है बड़े वाला जो उस दिन जो शापर वगैरह था उसमें ना गुड़िया के कपड़े थे इसलिए नहीं दिखा रही थी फिर अब इनके सेटे मेटिंग अलहमदुल्ला हो चुकी है दो जोड़े बेटी मेरा चलो सही हो गया माशाल्लाह चलें जी अभी गुलाम अब्बास भाई वाले आ जाएं उनका इंतज़ार करते हैं वो जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम गुड़िया को गिफ्ट देंगे फिर आके देखते हैं क्या होता है इसके लिए गिफ्ट आज कुछ भी नहीं लेके आया हूँ सही है आपके लिए ले आऊँ अच्छा आपके लिए भी है ठीक है ओके अभी बस थोड़ा इंतजार कर लो फिर आपको देते हैं ठीक है कल मैं गई थी आली को हां सिद्धा में ते मिची वगैरह के सानू गिफ्ट दियो सानू निकली दादी भी चले जी ठीक है गिफ्ट देंगे इंशाल्लाह फैमिली फैमिली प्यारे व्यूअर टाइम आ चुका है अमीना को और गुड़िया को गिफ्ट देने का और गिफ्ट इनको देते हैं जी खुश हो रही है खुश हो रही हो खुशी हो रही है अच्छा चले जी ये तो मदीने चली जाएगी तो हम ऐसा करते हैं इसको गिफ्ट नहीं देते हैं हम इसको दे देते हैं आप तो मदीने चली जाओगे अच्छा कोई बात नहीं आप मुसलमान हो बहुत है अच्छा तो सबसे पहले जी कौन सा रत्ता सूट या नीला रेड सूट प्यारे व्यूअर इसको बड़ा शौक था कि मुझे रेड सूट चाहिए मैंने आपको बताया भी था तो इसके लिए लेके आए हैं ये रेड सूट अभी निकालते हैं और इसको देते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये आ गया है जी रेड सूट वाह जी वाह माशाल्लाह इसको खोल के देखो थोड़ा खोल के चले जी ओपन करें इसको रेड सूट रेड है अब सही है दुपट्टा देखो कितना प्यारा है हाँ दुपट्टा भी बहुत प्यारा लिया है हमने हाँ ये ए देख ये है बोछण ओके माशाल्लाह ऑल देख जबरदस्त ए और ये है कमीज अमीना वो आप ये कमीज देखो अपना चोला देख देख माशाल्लाह कितना प्यारा है
ये देखें जी माश आप तो दुल्हन लग रही है। वाह जी वाह माशाल्लाह। अच्छा जी इसके बाद एक और सूट है वो दिखाते हैं जी आपको, यहाँ से निकाल लें। ओपन हो जाओ ओपन हो जाओ। हाँ ये आ गया सूट, ये लो गुड़िया। ये मेरा है। हाँ ये आपका सूट है माशाल्लाह। और अभी इसको खोल के दिखाओ अमीना, गुड़िया का सूट भी देखो कैसा है। मेरा सूट भी देखो कैसा है। रुक जाओ बेटा रुक जाओ, ये पकड़ो आप, ये पकड़ो। हाँ ये पकड़ो, इधर इधर से सूट है, ये देखो, ये वाला माशाल्लाह, ये देखो अमीना इधर दो उसका सूट देखो, सूट उसका देखो, बिल्लियो सूट बिल्लियो। वाह जी वाह। ये देखे ये है दुपट्टा, इस पर भी रेड रेड निशान है। ये देखे और अब इसका कमीज आने वाला है, ये बहुत प्यारा कमीज। इधर देखो अमीना ये कैसा है, नीला दिया। अच्छा अच्छा अब ये दो सूट हो गए हैं, तो गुड़िया ये आपने रखने हैं या किसी और को देने हैं? नहीं भाई ये मैंने जो है ना अमीना को देना है। तोहफा देना है अमीना को, माशाल्लाह। आपको माशाल्लाह, ये दोनों सूट आपके हैं। इधर देखो इधर आप खुश हो, सिस्टर ने भी अपना सूट दे दिया है आपको और आपका सूट भी आपके पास आ गया। ये दोनों सूट आपके हैं, देखो मैंने अपना सूट आपको दे दिया ना। आप लड़ाई नहीं करोगी ना, आप लड़ाई नहीं कर रही, ठीक है। अभी एक और तोहफा रहता है आपका, एक मिनट दिखाते हैं जी, ये निकाल लें। ये भी बड़ी प्यारी, सर्दी आ गई है ना तो बहुत प्यारी चीज ली है मैंने अमीना के लिए। ये लो गुड़िया ये दिखाओ इसको, ये देखो अमीना, ये देखो कितना प्यारी है। ये न्यू आ गई है, देखो माशाल्लाह। हाँ ये कैसी है? अच्छा हाँ जिसने ये दी है ना उसके लिए दुआ करनी है आपने। आमीन। उसके बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए दुआ करनी है, ठीक है। हाँ चले जी माशाल्लाह, सरप्राइज जो था अमीना का वो हमने उसको दे दिए हैं, और इसके अलावा सिस्टर का नहीं था, हमने इसलिए ये सब किया कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको तंग करती है, लड़ाई करती है, तो ये उसके जहन में आ जाएगा कि सिस्टर ने माशाल्लाह तोहफा दे दिया, इसी वजह से ना अब बहुत खुश हो रही है और कुछ दिन इंशाल्लाह मोहब्बत के गुजर जाएंगे। फल बटा फल तो नहीं गुजरते लेकिन कुछ दिन गुजर जाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह गिफ्ट तो मैंने इसको दे दिए हैं, क्या है खुश कह नहीं क्या? अगर मतलब क्या लिखो था जाना, अच्छा अच्छा अच्छा, ये अपनी वजह बता रही है कि इसको हुआ क्या था। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसकी डिटेल के साथ, तो जो लोग बस्ती में जो लोग बातें करते थे हम तो वही सुनते थे, अब उसकी माँ ही सच बताएगी कि इसको हुआ क्या था। क्या था एक बुआ दौरा छा छोटे लाता। अच्छा मन मैं सारे पासे घुमाया फिराया, डॉक्टर को लिया। मतलब दौरे तो मुराद बेहोश थी की क्या? बेहोश थी की, होश कहना अखी ओ चुपिया मुंह में तू जग वाएगी, सारे डॉक्टर ने फिर अखी ने मुख दिए मुख दिए, बस जिंदगी बचाई खड़ा लाते मेरे ही किते जो मेरी मुसीबत करनी है। नहीं अल्ताफ सैन बोलता है कि मुर्गे ने बांग दी अजान दी थी इसके कान के बिल्कुल करीब, जली में सुती भी ना अते बस मैं नाने दे रोटी ले आन गई, सही तो सुती भी ते मुर्गा वड्डा मुर्गा नसीन ताला मुझे अजान दी थी, बस राज मारी थी उत्ते हाथ की गई नहीं में
ਪਕੜੇ ਨੀ ਬੇਮਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਪਕੜੇ ਨੀ ਬੇਮਾ ਜਗੀਆਂ ਦੌੜਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ महीने की तो जैसे कि हम झूला बना के सुला देते हैं ना, तो अम्मी थोड़ी साइड पे चली गई, तो बड़े बड़े जो है ना मुर्गे होते हैं वो जब मतलब के आवाज निकालते हैं तो फिर जो ना इसके नजदीक वो मुर्गा खड़ा सी, तो उन्होंने जो जैसे आवाज दी जोर से, तो ये छोटी सी थी इसका ना वो दिमाग का ना मसला। छोटा बच्चा होता है ना, तेज आवाज एकदम से पड़ती है ना, तो फिर वो सीधा दिमाग पे जाके लगती है। बड़ी तेज उनकी, बड़ी भारी तेज अपनी आई, वो नाक चिरानी के निकल जाते हैं। चलो अब जो हो गया है और उसके लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, और अभी भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। ये ना कहा नहीं, लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूँ, हम जरा ना कोई शह ना क्या करो, जिमें अल्लाह पाक की मर्जी होंगी है ना, तो उमें कर देना होंगे, यही ना क्या करो भी सारे वास्ते मुसीबत है या कोई चीज है, जो अल्लाह पाक ही समझ गिनो, बेहतर ही अल्लाह पाक की जात जान दी है, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र अब वो क्या करें फिर, जैसा उसका है दिमाग जितना, वो अभी तो प्यार कर रही है, ये देखें ये चली जाए तो रोने लग जाती है, लड़ती भी बहुत है, प्यार भी बहुत। बस वो इसका है ना, आप प्यार से हैंडल किया करें, और बस अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पाक करम करेगा। ऐसा ना कहा करें कि हमारे लिए मुसीबत बन गई है, आप इसकी परवरिश कर रहे हैं ना, इसको संभाल रहे हैं, अल्लाह पाक इसका भी अजर दे रहा है आपको। अब कोई वालदैन ये नहीं चाहता कि उसकी औलाद ऐसे हो जाए, ये अल्लाह पाक की मर्जी से हुआ है, तो आप सब्र रखें, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अमीना लड़ाई आपने नहीं करनी, अगर लड़ाई करोगी इन्होंने मुझे कॉल करनी है, मैं आ करना फिर आपको टीके लगा दूंगा। हाँ वो बताऊँ पढ़ाओ सो, बताऊँ पढ़ाओ सो, बोला इंशाल्लाह तो ठीक दे, लेकिन जे तक मैं लड़ाई नहीं करनी हो, देख मैं तेरे एक तो जर्सी घेना है, कपड़े रत्ते आदि हमें वो घेना है, नीले कपड़े आदि हैं वो घेना है, ठीक है। ये एक छोड़ इंदे एक खंभ होंगे कबूतर दे, हाँ तो हम लड़ाई कह नहीं करनी, ठीक है, पक्का वादा, आख वादा, हाँ हाथ मिला, वादा कर, बाय नहीं करनी, वादा करना है, ठीक है। आप लड़ाई नहीं करोगी, मैंने अगर वीडियो में देख लिया कि आप लड़ाई वगैरह कर रही हो, तो फिर मैं आपको कोई तोहफा नहीं दूंगा, नहीं करोगी ना, ओके अल्लाह हाफिज, बोलो अल्लाह हाफिज, ओके। फैमिली फैमिली व्यूअर, आपने मुकम्मल वीडियो देखी होगी, और जो भी गिफ्ट थे, जो भी सरप्राइज़ थे, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दे दिए हैं, और जिन्होंने उसको खुशी दी है, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपनी फैमिली के साथ। तो इधर अब्बास भाई, हम फिर जा रहे हैं यार, हाँ अम्मी अबू वालों के, वो अम्मी अबू वालों के लिए खाना हमने भी बनाना है, तो वो आपको पता है कि शुगर का जो मरीज़ होता है बंदा, उसको बहुत मसला होता है, तो खाना रखा, शुक्रिया आपका, आप आए, और ये सिस्टर ने ये अमीना के लिए, हाँ जी सिस्टर ने दिए हैं, तो सिस्टर का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी, यही तो जिन्होंने याद रखा अमीना को, और उसके लिए कपड़े और जर्सी सर्दियों का सामान आ गया, माशाल्लाह बहुत हैप्पी है अमीना, पूरी फैमिली भी, अल्लाह पाक उसको अजर दे, कपड़े माशाल्लाह बहुत प्यारे लिए हैं ना, कपड़े बहुत प्यारे मिल गए, किस्मत की बात है उसकी। अच्छा बहुत दुखा, एक दुकान पे हमने बहस की, वो ना सही रेट नहीं दे रहे थे, एक्स्ट्रा बता रहे थे, दूसरी शॉप पे चले गए, वहाँ मिले नहीं, फिर दोबारा मैं उसी शॉप से ले गया, क्योंकि इनका कलर बहुत प्यारा था, बहुत अच्छे कपड़े थे ये माशाल्लाह। हाँ चलो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा नाना जान, हम जा रहे हैं फिर, ठीक है, हाँ जी चलना है हमारे घर, नहीं आएंगे फिर, देखो वालेकुम सलाम, देखेंगे, चलो ठीक है फिर हम जा रहे हैं। माशाल्लाह जी घर पहुंचने वाले हैं, मैंने इसको नीचे छोड़ दिया है, मैंने कहा थोड़ा वॉक भी कर लिया करो, आ जाओ, घर कहाँ है, वो है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, आ रहा है जी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच चुके हैं एक बार फिर,
और हमारा जो भी छोटा मोटा काम था वो कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया सुकून से? हाँ जी। अच्छा चाबी ले रहे थे? हाँ जी। अच्छा मैं चाबी ले गया। कौन ले गया? मैं खोला दरवाजा वाला, ये रोटी खा दे, रोटी खा दे फिर बाकी और ताला लगा देता हूं मैं। तू के चाबी अभी कहाँ है? चाबी इधर है। चलो वो दे दे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नबा, ठीक हो? अल्लाह से रहमत है, शुक्र है, माशाल्लाह। क्या है वो सिद्दीक को? हां सिद्दीक की दवाई ही लेने गए थे, इसका बुखार टेस्ट करवाया है कि बुखार कौन सा है, और इसकी एच बी कराई है कि खून की कमी तो नहीं है। तो खून की कमी पहले जब कराई थी 8.4 पे थी, अब 9.4 है, मतलब नॉर्मल है, अब सही है। और इसके बाद इसको जो बुखार आता है, ना ही मलेरिया है ना ही हेपेटाइटिस है, ठीक है? नहीं, इसको जो बुखार है वो है सीने का, बगलम जो है ना वो सीना बंद है इसी वजह से। ये लो चाबी। खांसी जुकाम है ना, फिर उसकी दवाई ली है, अब आपने दुआ ज़रूर करनी है, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं घर, और सिद्दीक का देखें ये है, ये खेल रहा है माशाल्लाह। और वकार अहमद के लिए ये वाला लिया है क्योंकि वो बड़ा है तो बड़ा लेगा, लेकिन मज़ीद शॉपिंग इंशाल्लाह हमने करनी है अभी, उसके लिए लिया है ना तो हमें पता है कि ये गुस्सा करेगा। ये लो ये इसका हो गया। अमीना के बारे में जो हकायक थे, आज से कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बारे में जो बताया था, सबसे बड़ा झूठ मैंने ही बोला था। तो झूठ मैंने खुद से नहीं बोला, लेकिन वो असल में ये था कि जो कहानी हमें सुनाया करते थे लोग कि हाँ जी ये हुआ है वो हुआ है, वो जो खजूरें वाली बातें थी, ये सारी मतलब जो जो मुझे पता था तो वो सब मैंने बता दिया था। उसके बाद फिर आज आपके सामने उसकी अम्मी ने बताया कि इसको हुआ क्या था। तो ये मसला है जो उसका, एक मुर्गे की वजह से देखे ना इतना बड़ा सानिया हो गया। तो इसलिए ना ये हकीकत बात है, ये जो मुर्गे होते हैं ना ये कान के नीचे खड़े होते हैं और ज़ोर से बांग लगाती हैं, अजान देती हैं इस कदर ज़ोर से कि बच्चे डर जाते हैं। तो अगर कहीं पर कोई मुर्गे का शौकीन है तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप छोटे बच्चों को मुर्गों से दूर रखिएगा, और कोई भी ऐसी चीज़ जो हैवी आवाज़ निकालती हो और उसके करीब ना लेके जाइएगा, ठीक हो गया? मिलेंगे नेक्स्ट, आज वाला वीडियो आपको कैसा लगा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।